गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइंस चैप्टर नंबर 3, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड फीलिंग ऑफ फूड। तो इसी फूड हमें नेचुरल रिसोर्सेज से भी मिलता है और प्लांट के सोर्सेज से भी मिलता है। तो जो फूड हमें मिलता है, हमें नेचुरल प्लांट से मिला या फिर एनिमल से मिला, तो वो क्या होता है, प्योर स्टेट में नहीं होता, हम उसको डायरेक्टली खा नहीं सकते। साफ करो। रिवर वाटर जो आपको मिलता है, उसके अंदर में क्या होता है, बहुत सारे हार्मफुल
जम होते हैं, लेकिन अपने घर तक सफाई होने से पहले उसको प्योर कर दिया जाता है। सेकंड है टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम डिज, अपने आप को डिजीज से बचाने के लिए जो अपन फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेके आते हैं उसके अंदर क्या हो सकते हैं, जर्म्स और डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। अगर आपने उसको बिना वॉश किए ऐसे ही कंज्यूम कर दिया तो क्या हो सकता है, अपन को कुछ डिजीजेस हो सकती है। तो अपने आप को डिजीजेस से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। थर्ड है टू इंप्रूव टेस्ट, जो फूड आप लेके आए अगर आपने उसको क्लीन नहीं किया तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होंगे या फिर कुछ हेयर प्रेजेंट होंगे, तो इससे क्या है आपका खाना क्या है स्पॉइल हो जाएगा, उसमें आपको टेस्ट नहीं आएगा, उसी डस्ट पार्टिकल और हेयर का ही टेस्ट आएगा। तो अब क्या खाने को टेस्ट इंप्रूव, उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, फूड को क्लीन करते हैं। फोर्थ टू मेक इट मोर न्यूट्रिशियस, उसको ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, फूड को क्लीन करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स होते हैं जो अपने लिए अच्छे नहीं होते, हार्मफुल होते हैं। तो फूड को न्यूट्रिशियस बनाने के लिए अपन उसको क्लीन करते हैं। अब मेथड्स ऑफ सेपरेशन, अब जो आपके मिक्सर तो होगा उसके अंदर दिखे डस्ट पार्टिकल्स और कुछ भी है मिक्सर है, तो उसको सेपरेट कैसे करना है इसके लिए अपन मेथड्स पढ़ेंगे। सबसे पहला है हैंड पिकिंग, ये कॉमनली क्या यूज करता है, जब देखिए आपको कुछ चीज साफ करनी हो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज मिक्सचर प्रेजेंट है वो कैसा है, उसके कलर का नहीं है, अलग कलर का है, उसकी साइज क्या है डिफरेंट है या फिर बड़ी है या फिर छोटी है, तो अपन क्या करेंगे उसमें से जो अपन साफ कर रहे हैं उसमें से उठा के अपन हाथ से उठा के निकाल देंगे उस इम्प्योरिटीज को। तो जैसे अपन घर पे गेहूं लेके आते हैं अपन उसको क्या करते हैं, हाथ से साफ करते हैं, तो यही होता है हैंड पिकिंग। उसके अंदर जैसे क्या होते हैं कुछ पत्थर होंगे या फिर कुछ और अनाज ग्रेन मिक्स होता है, तो अपन गेहूं में से उसको हटा के रख देते हैं, तो ये क्या है हैंड पिकिंग है। लेकिन ये क्या होता है, जब आपको थोड़ी चीज साफ करनी है तभी ये यूजफुल, नहीं तो इतना सारा बहुत सारा होगा तो आप उसको कब साफ करके रहेंगे। फिर है विनोइंग, क्या होता है इसलिए ये फैक्ट के ऊपर है, एक प्रॉपर्टी के ऊपर है, जैसे जो आपको साफ करना उन दोनों का वेट होना चाहिए अलग अलग होना चाहिए। तो ये देखिए मोस्टली फार्मर के थ्रू यूज किया जाता है, जो ग्रेन होता है अनाज उसमें से उसके हस कटाने के लिए क्या किया जाता है, एक बास्केट में इन्होंने ले लिया, फिर जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है उसी डायरेक्शन में उसको बास्केट को ऊपर बन जाएगी, गठरी बन जाएगी, जो क्या अपन को ग्रेन्स चाहिए जो अपन खाते हैं। फिर है सीविंग, सीविंग मतलब जैसे जो अपन आटा छानते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर छेद होते हैं, तो वो जो इम्प्योरिटीज होती है कचरा होता है वो नीचे चला जाता है, और जो अपन को फ्लोर आटा चाहिए वो अपन यूज कर लेते हैं। तो उसके अंदर देखिए जितना बड़ा होल होगा उतने ही बड़े पार्टिकल्स पास हो सकते हैं, जितना छोटा उसके अंदर होल होंगे उतने ही वो छोटे अलग अलग चीजों को छानने के लिए अलग अलग से आते हैं, उसके अंदर होल्स की साइज सब में डिफरेंट होगी, और सब में होल्स की एक सेम ट्यूब है तो उसमें होल्स की साइज सब में सेम होगी। फोर्थ है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, इसमें देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये किस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड होता है, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो कि वाटर से है वेयर है उनको अलग कर सकते हैं अपन वाटर से। सबसे पहला सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन दोनों साथ में ही होता है, तो सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वाटर से वो क्या हो जाते हैं नीचे सेटल हो जाते हैं नीचे चले जाते हैं, तो इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा जाता है, और जो पार्टिकल्स नीचे हैवी पार्टिकल्स नीचे सेट हुए वो होता है सेडिमेंट्स, एक लेयर बना देते हैं ठीक है। फिर डिकेंटेशन जैसे जो पार्टिकल्स नीचे सेट हो गए तो पानी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, फिर उसी पानी को क्या कर देना निकाल लेना, तो ये क्या हो जाएगा डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन दोनों साथ साथ होते हैं। फिर है फिल्ट्रेशन, व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज, जब जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स की सबकी सॉल्युबिलिटीज अलग अलग होती है तभी से फिल्ट्रेशन किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर, सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड मिक्सचर से निकालना फिल्टर पेपर यूज करके ही फिल्ट्रेशन होता है। जैसे अपन टी बनाते हैं तो अपन टी स्टेनर लेते हैं, उसमें क्या होता है देखिए लिक्विड तो नीचे चला जाता है लेकिन टी यूज होती है सॉलिड वो उसी के ऊपर पड़ी रहती है। अपन सीव को जो यूज करते हैं, सीव क्या है दो सॉलिड सब्सटेंसेस को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन जो ये फिल्टर
ट्री को सेपरेट किया है, आपने क्या उसमें से उस ट्री में से आप शक्कर को अलग कर सकते हैं या फिर मिल्क कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सिंपल फिल्टर है, जैसे ये मुस्लिम है या फिर जो टी स्टेनर होते हैं, ये क्या है कम्प्लीटली प्योरीफाई नहीं करते हैं। इसलिए हम इसको फिल्टर करने के लिए, वाटर को फिल्टर करने के लिए कुछ डिवाइस काम में लेते हैं। तो देखिए, जैसे फिल्ट्रेशन पानी को फिल्टर करते हैं, अगर अपन ने उस टी स्टेनर से पानी को छान लिया तो पानी प्योरीफाई होगा नहीं होगा, उसके अंदर और भी इम्प्योरिटीज होती है। इसलिए अपन कुछ जैसे होता है एक्वा प्योरीफायर होता है, तो जैसे जो वाटर सॉलिड वेस्टेज होते हैं गटर वेस्ट से अलग कर दिया जाता है ताकि नालियों में ड्रेन है उसके अंदर ब्लॉकिंग नहीं हो। तो अपन को क्या है जो ड्रेन होती है उसके अंदर वेस्ट मटेरियल जैसे पॉलिथीन बैग्स नहीं फेंकना चाहिए। तो फिल्ट्रेशन का यूज किया जाता है जो गटर वाटर के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल वेस्टेज होते हैं उसको अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन काम में लिया जाता है। फिर अपन कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर देखेंगे और फिल्ट्रेशन के यूजेस देखेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे।